तो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा था कि गॉड किलर क्यूम्बर अर्थ पर आ जाता है और वेजिटा से लड़ने लग जाता है। वेजिटा और क्यूम्बर की फाइट से अर्थ को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। उसे देख करके गॉड क्रिलिन, गॉड यामचा और मास्टर रोशि वेजिटा और क्यूम्बर को रोकने आते हैं, बट क्यूम्बर उसमें अपनी एनर्जी डाल देता है, जिससे गॉड यामचा, गॉड क्रिलिन और मास्टर रोशि में नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। गोकू वेजिटा से हेल्प मांगता है, बट बीच में क्यूम्बर आ जाता है और अब आगे क्यूम्बर कहता है कि उनकी हेल्प करने से पहले मुझसे जीत करके दिखाओ, समझे? और फिर क्यूम्बर पावर अप करता है। क्यूम्बर अपने आसपास एक ब्लैक एनर्जी की ऑरा बना लेता है, जो देखने में काफ़ी भयानक होती है, और आकाश में से काफ़ी ज़्यादा ब्लैक लाइटनिंग होने लग जाती है और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर हो जाता है। वेजिटा उसकी इस फॉर्म को देखकर समझ जाता है कि अब क्यूम्बर अपनी रियल पावर यूज़ करेगा। उसके आसपास की हवा भी भारी हो जाती है और तभी क्यूम्बर के पास एक एंजल आ जाती है। वेजिटा पूछता है, ये कौन है? तो क्यूम्बर कहता है कि ये कोई नहीं है, इस पर ध्यान मत दो, और वो दोनों वापस से लड़ने लग जाते हैं। वेजिटा की एल्बो और क्यूम्बर की नीज पर आपस में टकराती है और इन दोनों के टकराने से ही काफ़ी भयानक एक्सप्लोजिव होता है। आसपास की चीज़ें उड़ जाती है। गोकू ये सब देखकर सोचता है कि अगर ये सब ऐसे ही लड़ते रहे तो ये प्लैनेट अपने आप में तबाह हो जाएगा। वहीं पे वेजिटा और क्यूम्बर वापस से लड़ने लग जाते हैं और वापस से एक दूसरे से हिट का एक्सचेंज होने लगता है। थोड़ी ही देर में क्यूम्बर के हिट ज़्यादा होने लग जाते हैं। क्यूम्बर कहता है, मैंने तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, तुम तो कमज़ोर निकले। ये सुनकर वेजिटा तुरंत अपने स्किल दिखाता है और क्यूम्बर के अटैक से बचने लग जाता है। और अब वेजिटा के हिट ज़्यादा लग रहे थे और फिर थोड़ी देर में ही दोनों के हिट बराबर हो जाते हैं। वेजिटा तुरंत पीछे चला जाता है और अपनी एनर्जी को फोकस करके उस पर एनर्जी स्पेयर फेंक देता है। क्यूम्बर तुरंत उससे डॉच कर देता है, बट उससे एक तगड़ा एक्सप्लोजन होता है और पूरे आसपास धुआं हो जाता है। और जब धुआं हट जाता है तो क्यूम्बर देखता है कि उसके पीछे वाले माउंटेन पूरे तरीके से चकनाचूर हो गया है। वहीं पर क्यूम्बर ने अपनी एनर्जी का यूज़ करके एक वॉल बना रखा था और अब उसके वॉल में भी क्रैक आ गया है। तो क्यूम्बर तुरंत अपनी एनर्जी को हटा देता है। वहीं पर गोकू परेशान हो जाता है। अब तक वो इन तीनों के अटैक से बच रहा था, बट अब सिचुएशन काफ़ी इंटेंस और गंभीर हो गई है और वो सोचता है कि अब मुझे इनसे लड़ना ही होगा। तो सबसे पहले गॉड क्रिलिन अपने एनर्जी डिस्क को गोकू की तरफ फेंकता है और गॉड यामचा भी अपने एनर्जी स्फीयर को गोकू की तरफ भेजता है, बट गोकू दोनों को डॉच कर लेता है किसी भी तरह। तभी मास्टर रोशि अपनी टेक्निक से गोकू पर एक इलेक्ट्रिक अटैक करते हैं, जिससे गोकू पैरालिसिस हो जाता है और गॉड क्रिलिन और गॉड यामचा गोकू पर दोबारा अटैक करते हैं, बट गोकू तुरंत अपनी एनर्जी को बढ़ाता है और उस पैरालिसिस को तोड़ देता है और वापस ठीक हो जाता है और उस अटैक को डॉच कर लेता है। वहीं पर वो दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वहीं पर फिर तीनों मिल करके कंबाइन कामेहामेहा रिलीज करते हैं। गोकू भी रिप्लाई में कामेहामेहा रिलीज करता है, जो कि काफ़ी पावरफुल होता है। वहीं गॉड किलर क्यूम्बर और वेजिटा की लड़ाई में गॉड क्यूम्बर अब ज़मीन पर होता है। वेजिटा अब सक्सेसफुल लैंड करता है और गॉड किलर क्यूम्बर के फेस पे हिट करते रहता है और कहता है कि अब मैं हर हिट का बदला लूंगा क्यूम्बर तुमसे, मैं वेजिटा हूँ, मेरे अंदर शाही खून बहता है, तुम नहीं जानते कि मैं कितना ताकतवर हूँ। वही इसके जवाब में क्यूम्बर अपनी एनर्जी रिलीज करता है और वेजिटा को हवा में पहुँचा देता है और हवा में सारे एनर्जी के स्फीयर एक्सप्लोड हो जाते हैं। वेजिटा कहता है कि काफ़ी अच्छी तकनीक है तुम्हारी क्यूम्बर, और फिर वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं। वेजिटा तुरंत क्यूम्बर के लंग्स पे अटैक करता है और क्यूम्बर खून की उल्टियाँ कर देता है और वेजिटा मौके का फ़ायदा उठाते हुए कंटिन्यू क्यूम्बर पे अटैक करते रहता है। क्यूम्बर पीछे हट जाता है और तुरंत अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करता है और तुरंत वेजिटा के मुँह पर एक किक मारता है। उस किक से वेजिटा ज़मीन पर आ जाता है। वेजिटा पूछता है, आखिर और कितना ताकत तुम छुपा रखे हो क्यूम्बर? वही गोकू और मास्टर रोशि गॉड क्रिलिन गॉड यामचा की लड़ाई में गोकू उन पर भारी पड़ रहा था। वो तीनों अपनी कामेहामेहा को और ज्यादा बढ़ा देते हैं
वही गोकू भी सोचता है और फिर गोकू भी अपनी एनर्जी को थोड़ा और बढ़ा देता है और गोकू अपनी पूरी एनर्जी को फोकस करता है और उसका कामेहामेहा उन तीनों के कामेहामेहा से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो वो तीनों तुरंत अलग हो जाते हैं, गोकू तुरंत उनके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और तुरंत अपनी एनर्जी से एक अपनी कॉपी बनाता है और वो उन तीनों को कैद कर लेता है। गोकू कहता है कि मैंने कुछ देर के लिए उन्हें रोक ही दिया है, बट वो तीनों तुरंत अपनी एनर्जी से उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे मेरे इस केज को। गोकू कहता है कि अच्छा हुआ मेरा प्लान काम कर गया, पहले मैं चाहता था कि ये अपनी एनर्जी का सारा यूज़ कर ले और थोड़ा थक जाए। हाँ, इसमें रिस्क भी था, अगर ये अपनी सारी एनर्जी यूज़ कर ले तो ये लोग ब्लास्ट हो जाते और मेरे अपने ही लोग मर जाते, क्योंकि वे लोग बुरे नहीं हैं, उनके अंदर क्यूमर ने नेगेटिव एनर्जी भर दी है, इसलिए उन्हें पता नहीं है इनका दिमाग खराब हो चुका है, अब वो उनके नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में है। और गोकू सोचता है कि वेजिटा जल्दी से अपनी फाइट ख़त्म कर ले, मुझे इंतज़ार ही करना होगा कि पहले ये तो इनकी फाइट ख़त्म हो जाए या फिर इन तीनों की एनर्जी ख़त्म हो जाए और ये तीनों एक पेनफुल डेथ एक्सेप्ट कर ले। वहीं पर वेजिटा और क्यूम्बर एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के फेस पे पंच मारते हैं, क्यूम्बर तुरंत मून आसमान में भेजता है। वेजिटा इस चीज़ से काफ़ी इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो भूल गया था इससे क्या होता है, बट वेजिटा चाहता तो इस मून को सिर्फ एक हिट में तबाह कर सकता था, बट वो चाहता था कि वो क्यूम्बर को उसकी पूरी पावर में हराए और अपना वो ईगो को सेटिस्फाई कर सके। वहीं पर गोकू कहता है कि जल्दी से फाइट ख़त्म करो वेजिटा, मास्टर रोशी, क्रिलिन और यामचा को भी बचाना है। इस पर वेजिटा कहता है कि मैं प्रिंस ऑफ सैयन हूँ, मैं अब इस लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ सकता कैकारॉट। और वो देखता है कि क्यूम्बर की पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही थी, अब वो एक ओजारो एप में बन गया था और वो वेजिटा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो तुरंत लाइटनिंग की स्पीड से वेजिटा के पीछे जाता है और उस पर एक हिट करता है, बट वेजिटा पूरा तैयार होता है और वो इजिली बच जाता है, बट क्यूम्बर उसे एक मच्छर की तरह अपने हाथों के बीच में मार देता है और उसे फिर एक हैमर की तरह उसके सिर पर मारता है और फिर उसे कुचल देता है। क्यूम्बर सोचता है कि वेजिटा मारा गया है, बट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुरंत उसके पैरों को उठा देता है और उसके चिन पे हिट करता है और फिर काफ़ी हिट कंटिन्यू करता है, इससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। क्यूम्बर तुरंत उठने की कोशिश करता है अपने ओजारू फॉर्म में, बट वेजिटा तुरंत कहता है कि अब लड़ाई काफ़ी हो गई है, और वो कहता है कि फाइनल हकाई का टाइम आ गया है। और वेजिटा फिर हकाई की काफ़ी बड़ी एनर्जी की वेव उसके तरफ भेज देता है क्यूम्बर के तरफ। क्यूम्बर भी अपने मुंह से काफ़ी बड़ी एनर्जी रिलीज करता है अपने ओजारू फॉर्म से ही, बट वेजिटा को इजिली लीड मिली हुई थी क्यूम्बर का ये फॉर्म देखकर, और क्यूम्बर ये देखकर इम्प्रेस होता है और वो तुरंत कहता है कायोकेन सो टाइम्स, और अब उसकी एनर्जी काफ़ी बढ़ जाती है। ये देखकर गोकू कहता है कि ज़रूर ये टेक्निक उसे क्रिलिन से कॉपी किया होगा, जब क्यूम्बर ने अपनी एनर्जी क्रिलिन के अंदर डाला होगा तो क्यूम्बर ने इस टेक्निक को कॉपी कर लिया होगा, बट क्यूम्बर ज़्यादा पावरफुल है इसलिए इसका 100 टाइम्स काफ़ी डेंजरस है। गोकू ये देखकर कहता है कि वेजिटा जल्दी से उस फॉर्म को यूज़ करो वरना तुम मारे जाओगे। ये सुनकर वेजिटा तुरंत अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है और वह फॉर्म काफ़ी डेंजरस होती है। इस फॉर्म में वेजिटा पूरे अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, बट उसकी बॉडी पे एक स्क्रैच तक नहीं होती है और वेजिटा तुरंत उस पर एक छोटी सी रे भेजता है और उस रे से क्यूम्बर के हार्ट में एक छेद हो जाता है। क्यूम्बर सोचता है कि ये अब तक मेरे पे क्यों दया कर रहा है। क्यूम्बर फिर पूछता है कि ये कौन सा वॉर्म है, ये ताकत कैसी है, ये ताकत तो गॉड के पास भी नहीं थी। वेजिटा कहता है इसके जवाब में कि ये तुम्हारा एंड है, समझे क्यूम्बर, और ये हकाइशिन की पावर है और ये सभी को ख़त्म कर देता है, और मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ कि तुम मेरे सामने इतने मिनट तक टिक पाए। वहीं पे क्यूम्बर हंसता है और उसकी बॉडी से सारी ईवल एनर्जी निकलकर वेजिटा की बॉडी में चली जाती है और हम देखते हैं कि इससे वेजिटा को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी और वेजिटा घुटनों के बल बैठ जाता है और एंड में हम देखते हैं कि वेजिटा पर वो एनर्जी काबू कर लेता है। वहीं पर गोकू कहता है कि ओ नो, ये अब तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और क्यूम्बर हंसता है और कहता है कि तुम मेरे से ज़्यादा ताकतवर हो, बट अब बस तुम मेरे गुलाम हो। तो दोस्तों, अब क्या होगा,
क्या वेजिटा उस एनर्जी को कंट्रोल कर पाएगा और उस एनर्जी को बीट करके बाहर आ पाएगा? क्या गोकू सबको बचा पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए आगे की वीडियो और इंतजार करिए।